अवैध रूप से बसें चलाकर राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं ने परिवहन मंत्री के गृह जनपद में नया कारनामा करके खुली चुनौती दी है। बस माफियाओं ने फर्जी कागजात तैयार करा, बगैर जुर्माना अदा किए ही 3 बस डिपो से छुड़ा लिए। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद स्थानीय अधिकारी हरकत में आए और पुलिस में केस दर्ज कराया। अब सिटी थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हरियाणा रोडवेज वल्लभगढ़ डिपो के GM राजीव नागपाल ने पुलिस को शिकायत दी है कि 9 मार्च 2021 को जिला परिवहन अधिकारी ने बस नंबर UP 80ET 4016 का चालान कर 60,000 रुपये का जुर्माना किया था। इसके अलावा UP 80ET 2740 का 10 मार्च को चालान कर 60,000 रुपये का जुर्माना किया। मार्च 12 को बस संख्या UP 80BT 1212 का चालान कर 50,000 रुपये का जुर्माना किया। इन तीनों बसों को जुर्माना अदायगी होने तक रोडवेज के डिपो में खड़ा किया गया था। GM का कहना है कि बस माफियाओं ने करीबन 1 सप्ताह बाद ही जुर्माना राशि की फर्जी रसीद बनवाकर तीनों बसों को रोडवेज डिपो से छुड़ा लिया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब दस्तावेजों की जाँच कराई गई तो इस गोरख धंधे का पता चला। उन्होंने ये भी कहा कि जिस इंचार्ज ने बगैर जाँच पड़ताल किए बसों को छोड़ा, उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। RTO साहब ने बंद करी थी और वो हमारे यहाँ गाड़ियाँ बंद होती हैं, या हम जब RTO साहब किसी भी गाड़ी को या ओवरलोड वाहन को पकड़ के यहाँ अंदर बंद कर देते हैं यार्ड है। सिर्फ हमारा काम है उनसे पार्किंग फीस लेना। RTO साहब ने जब ये गाड़ियाँ बंद करी हैं, 3 गाड़ियाँ थी, एक तो थी UP 85 है, यानी 81-12-12 है, एक है UP नंबर ये UP 85 है, वो 81 दिख है, 4016 है, एक है 4016-24 है, कुछ ऐसा कुछ एक गाड़ी उसका नंबर हमने FIR में लिखवा रखा है। ये 3 गाड़ियाँ ने क्या काम करा, जो दस्तावेज थे वो नकली दस्तावेज यहाँ पेश करके और अपना चलान ये दिखा दिया, हम RTO को अपना जुर्माना भर के आ गए हैं, ये गाड़ियाँ हमने छुड़ा ली हैं। तो रोडवेज के जो यहाँ कर्मचारी थे हमारे यार्ड में, उन्होंने सिर्फ कागज़ देखे और उन्होंने फोटोकॉपी लेके वो एक कॉपी अपने पास रख ली और वो गाड़ियाँ छोड़ दी। तो हमें पता जैसे ही लगा, GM साहब ने हमने टीम ने मिल के ये पता लगाया जब हमको, अब ये गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ फर्जी दस्तावेजों से छूटी हैं। गुप्त रूप से जब हमें सूचना लगी तो हमने RTO साहब के साथ में मीटिंग करी। मीटिंग के तहत हमने जो पकड़ने का अभियान चलाया और उस अभियान के बीच में ये हमारे हाथ एक गाड़ियाँ लगी जिसका नंबर जो अंदर खड़ी है, जो 4016 नंबर गाड़ी है, वो अंदर खड़ी हुई है। तो ये हैं जी, बाकी 2 गाड़ियाँ हमने उसका मुकदमा दर्ज करा दिया RTA से, वो कागज़ चेक करा के अब ये असली हैं कि नकली है, तो वहाँ से वो फर्जीवाड़ा पाया गया है। तो RTO साहब ने जब ये कह दिया कि ये गाड़ियाँ दस्तावेज नकली हैं चलान के, तो फिर हमने सिटी बल्लभगढ़ में ये मुकदमा दर्ज करा दिया है। एक गाड़ी तो हमारे पास है, 2 गाड़ी अभी भी हमारे यहाँ से फरार है। हाँ, UP नंबर की हैं। तो ये गाड़ियाँ जो चल रही हैं, इको भी आपको अंदर खड़ी हैं, कहीं किसी पे कुछ लग रहा है, कोई किसी का मार्का लगा के चला रहा है, कोई किसी का मार्का लगा के चला रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज की मौजूदा सरकार से, ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय परिवहन मंत्री जी हमारे यहाँ घर के हैं, हमारे नज़दीक हैं, और उनकी नाक के तले ऐसा अवैध अभियान चल रहा है। RTO साहब आते हैं, गाड़ियां भाग जाती हैं रोड पे से, ऐसा कोई मुकम्मल कोई चलाया जाए और रोडवेज की सुविधा को देखते हुए रोडवेज की बसें वहां लगाई जाएँ जनता के लिए, ताकि ये प्राइवेट को टाइम ना मिले। तो परिवहन मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, रोडवेज के बेड़े में बसें भी बढ़ाएं और ये जो प्राइवेटेशन है इसको कैसे काबू किया जाए, इसके लिए नई रणनीति बनाएं।